Hi, my name is Shelly and I'm handling the photography and filmmaking department at Morph Academy Chandigarh. So we have thrown a photography challenge to the students which have started from the 7th of September and going to end on the 14th of September. And we have covered the wide range of the topics from the depth of field to the focus and to the small elements like low angle, high angle. And let's talk about the experiences that students are having and suffering, the whatever the situations they are facing throughout this challenge. Thank you. Hi, my name is Pukran Singh. Hi, my name is Yasmin. Hi, my name is Kuti. Hi, my name is Vaibhav. We all are from Morph Academy, Filmmaking and Photography Department. We are going to tell our experience about 7 days challenge. And I'm excitedly telling you about my experience. So, I have a very good experience in my photography this challenge. मैंने बहुत कुछ जो है ना इसमें सीखा है. स्टार्टिंग स्माइली डे से स्टार्ट करें तो मुझे पहले दिन मार्केट में कोई स्माइल करता मिला ही नहीं. तो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि हर एक बंदे को स्माइल करते हुए कैप्चर करना, क्योंकि स्माइल होता है हर एक इंसान का पर्सनल मैटर होता है. जब वो खुश होता है उस चीज़ को कैप्चर करना इट्स अ वेरी बिग थिंग. एंड मैंने बहुत कुछ इससे सीखा है फोटोग्राफी में. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था डेली स्ट्रगल. डेली स्ट्रगल में हम यूजली सभी को ही स्ट्रगल करनी होती है डेली. वो अपने अर्निंग के लिए डेली काम ही करना पड़ता है. सो हम मार्केट में जाके देखा था जो स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह होते हैं उनकी पिक्चर क्लिक की थी. हमने नेक्स्ट में पॉइंट ऑफ व्यू सीखा, डेप्थ ऑफ फील्ड सीखी, एक्सपेरिमेंटेशन सीखी एंड एक्सप्लोरेशन सीखी. तो जैसे इतने सारे टॉपिक्स मिलने का ये फायदा होता है कि विजन हमारा ब्रॉडन हो जाता है कि कोई चीज हमें देखने की है, ये चीज के हमने सब्जेक्ट की फोटो खींचनी है. हमें शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ता है कि मान लो ये चीज इस टाइम पे ज्यादा अच्छी हमें मिलेगी. तो सब हमारा मतलब पूरे दिन का शेड्यूल अगर सेट हो तो भी ये परफेक्ट फोटोज आ सकती है. तो ये चीज हमें अलग अलग टॉपिक्स मिले तो ये चीज सीखने को मिली कि शेड्यूलिंग बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस करते रहना चाहिए. मतलब डे नाइट डे में भी काम हो सकता है, रात को भी काम हो सकता है. तो हमें हर पॉइंट के लिए रेडी रहना चाहिए. हाय, माय नेम इज़ विपुल. और अभी हमें 7 डे चैलेंज मिला था. इस 7 डे चैलेंज में हमने बहुत चीज़ें सीखने को मिली. हर एक चैलेंज हर एक दिन के साथ एक नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है. अब जैसे कि आप बात करेंगे अगर लुकिंग इनटू द स्काई, तो लुकिंग इनटू द स्काई में अगर हमको मिला है तो हम उसमें हर एक एंगल से स्काई की तरफ देख रहे हैं और हर एक चीज़ का पर्सपेक्टिव, हमारे कैमरे का पर्सपेक्टिव और हमारा पर्सपेक्टिव, कैसे हम स्काई में क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं उसके बारे में हमें चीज़ों के बारे में पता चला. हेलो, माय नेम इज़ नमन ठाकुर एंड मैं फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग डिपार्टमेंट से हूँ. जैसे हम सारे 7 डेज चैलेंज कर रहे थे तो मेरा चैलेंज सबसे थोड़ा डिफरेंट था. इन सबको एक फोटोग्राफी टॉपिक मिला था. मेरा टॉपिक था गणेश चतुर्थी के ऊपर. जैसे हमने स्थापना से लेकर विसर्जन का सारा कुछ हमने एकदम कवर किया. उसे डॉक्यूमेंट्री तो नहीं कह सकते उसे, पर हर दिन एक नए एंगल से उस चीज़ को देखना, हर दिन एक नई रील पिक्चर्स के थ्रू उस इमोशंस को देखने, इमोशंस कैप्चर करे हमने उसमें. अगर मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं तो एक डिसिप्लिन मेरा बहुत अच्छा बिल्ड हुआ इसमें कि रोज सुबह जल्दी उठ के वो आरती एंड पूजा ऑल हमने कवर किया, उसको कैप्चर करना और डिसिप्लिन और शेड्यूल मेरा बिल्ड हुआ उस चीज़ से. तो यही मेरा एक्सपीरियंस था उस चीज़ को लेके एंड थैंक यू. हेलो, मेरा नाम नितिन है. हमें स्ट्रीट का टास्क मिला था. मैं तो एक्सपीरियंस मिला है कि कैसे बात इंटरेक्शन करना चाहिए पर्सन से.